الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدثاتها كل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تعالى في مقام اخر وأقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب الناس يوم القيامه من اعمالهم الصلاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي محترم جلسة سيستر رش معرفت. मोहतरमा मेरे वालदा साहबा आज के मेहमान खसूस अज़ीज़ तालिबा वलेंटियर्स ज़िम्मेदारान जलसा और अजीज़ सामियात कराम मैं आप तमाम का इस विमेंस कॉन्फ्रेंस में तहदिल से इस्लामी तरीक़े से इस्ताल करती हूँ असलकुम वरम वबरकू यानी आप तमाम पर अल्लाह सुबहान तला की सलामती रहमतें बरकतें नाजिल हो आज की मेरी तकरीर का अनवान है नमाज की अहमियत और ख़ात की गफलत तमाम कस्म के तारीफात तारीफा वाहदहलाशरीक खाली कायनत मालिक अर्जो समा के लिए है और लाखों करोड़ों द्रूद सलाम हस्ती अकदस पर जिसका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद अक्रम सल्ला वसम है वो ज़ात मुकदसा मुबारका मतहरा के रबुल्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनत बनाकर भेजा जिनके जरिए से अहल कायना की हिदायत का बंदोबस्त फरमाया बंदे को निजात मुआजस माँ और बहनों इसमान पर तकरीर पेश करने में मुझे बहुत ज्यादा तरद हो रहा है सिर्फ इस खौफ से के जिस हसास मौजू की में अपने मोहतरम माओं और बहनों को तरखीन करना चाहती हूँ यानी नमाज की अहमियत तो ये मौजू अमल के एबार से मेरे और आपके लिए इंतहाई अहम है और मैं देखी हूँ कि बहुत सारे खुतिन इस अजीब अमल से लापरवाही बरत रही है तो ये मौजू मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी समझती हूँ आप खातन सोच रहे होंगे ऐसा ओल्ड टॉपिक क्यों रखा गया है क्यों ना एक हट का टॉपिक रखा गया होता नमाज पर बहुत सारे अलिमों के भी तकारीर हो चुके हैं हैंज माँ और बहनों आपके इस सवाल का मैं ये जवाब दूंगी कि इस मौजू पर जितना रगबत दिलाया जाए जितना तोज्जो दिलाया जाए कम है क्योंकि मेरी बहनों ये रबालमीन की सुनत है अल्लाह सुबहान तला नेुरान मजीद में अस्सी से ज्यादा मरतबा नमाज क़ायम करने का हुक्म अलग अलग अंदाज में किया है मेरे माँ और बहनों अगर अल्लाह सुबहान तला एक मरतबा भी कुरान मजिद में नमाज का हुक्म दिया होता तब भी ये हमारे लिए फर्ज हुक्म था यह अल्लाह ताला की अपनी सुन्नत है जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहम होती है उसका ताकदी हुक्म भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है यकीन मेरी माओ बहनों इस मौजू पर बहुत सारी बातें आपको याद भी होगी लेकिन मैं कोशिश करूँगी कुछ एक नई बातें आपके सामने ऐसी आए जो आपने आज तक ना सुनी हो मोहतरम माओ और बहनों इस उनवान को आगे बढ़ाने से खबर मैं आपको लफ् नमाज का मफहूम समझा देती हूँ आखिर नमाज कहते किसको है मुआजस मो मौ बहनों नमाज फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है शरीयत में में नमाज के लिए सलाह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुआज़ मो मौ बहनों सलाह के लफ्बी माने होते हैं तस्बी दुआ इसकी जमा पुलूर सलाबाद आती है मोतबर उलम कराम इस बात के खायल है कि नमाज नहीं कहना चाहिए सलाह इस्तेमाल करना चाहिए मुआजत माँ बहनों अगर हम सुलह के बजाय नफ् इस्तेमाल करें अगर सलह के बजाय लफ्ज़ नमाज इस्तेमाल करें तो हमारे लिए गुना नहीं है इस तफरीर की मुनासिब से मैं नमाज ही लफ्ज इस्तेमाल करूँगी हमारे लिए गुना नहीं है लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको नमाज के बजाय सलह ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये शरीय का लफ्ज़ है अगर हम इसकी इतलाही तारीफ देखें जो कराम ने की है उसकी इस तरह आती है नमाज एक ऐसी मारूफ इबादत का नाम है जो खास वक्त में खास तरीके से अदा की जाती है जिसमें रुकू सुजूद होते हैं इब्तिदा तकबीर के साथ और इंतहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पर होती है सोलह के लगभग माने होते हैं दुआ जिस बात का तस्करा अल्लाह सुबहान तआला सूरत तौबा सूरह नंबर नौ आयत नंबर एक सौ में इस तरह करते हैं खुज मिन अम्वालिहिम खुज मिन अम्वालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع أليم الله سبحانه وتعالى अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशारा फरमा रहे हैं खुज मिन अमवालिहिम ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके मालों से सदका वसूल कर लीजिए व तुज़क्कीहिम बिहा ये सदका उनके माल को पाक और साफ बना देगी व आप उन पर सलात कायम कीजिए आप उनके लिए दुआ कीजिए इन सलातक सकनु लहुम बिना आपकी दुआ बिलाशिबा आपकी सलात उनके लिए موجب ए ईमान होगी वल्लाहु समीउ नलीम अल्लाह ताला खूब सुनता और खूब जानता है मुआज़्ज़ मो बहनों अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम बहन ये सवाल करे कि आखिर सलाह किसको कहते हैं तो आप जवाब में बताएं सलाह एक ऐसी खूबसूरत इबादत है जिसमें रुकू सुजूद होते हैं इब्तिदा तकबीर के साथ और इतहा असल रहमतुल्लाह पर होती है माँ मौ और बहनों नमा दिन इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है इस नमाज की हैसियत इस्लाम में ऐसी ही है जैसे किसी खेमे का सतून हो जैसे सुतून गिर जाने से खेमा गिर जाता है उसी तरीके से नमाज छोड़ देने से इस्लाम भी छूट जाता है नमाज दीन इस्लाम का बुनियादी अहम सुतून है जिसका तस्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं तिरमिजी हदीस नंबर छब्बीस सौ सोलह हजरत मुआज बिन जबरदर से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्हसम फरमाया रसुल रसुलमर इस्लाम व वमदला दीन की बुनियाद इस्लाम है और इस्लाम का सुतून नमाज है हजरत अब्दल्ला बिन उमर हजरा तरह से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया बुखारी हदीस नंबर आठ बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत इन अल्लाह इलाह व अन्ना मोहम्मद अब्दू व रसूल व इखाम व ईताई जका व हज बिल्ला व सोम रमजान दीन की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गई है सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है दूसरा नमाज कायम करना तीसरा जकवात अदा करना चौथा बैतुल्ला शरीफ का हज करना पाँचवा मुबारक के रोज़े रखना मसनद अहमद हदीस नमत चार तीन सात नबी सल्ला व्लम शाह फरमाते हैं जब बंदा अच्छी तरीके से वसू कर लेता है और भी नमाज के लिए खड़ा होता है नमाज की अदायगी कर लेता है तो ऐसे नमाजी से गुना इसी तरह झड़ते हैं जिस तरह पचड़ के मौसम में दरख्त से पते गिरते हैं हजरत अबू हुरा रज से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास फरिश्ते सुबह और रात के अवकात में आते और जाते रहते हैं आने और जाने वाले फरिश्ते नमाज फज्र और नमाज असर के वक्त जमा होते हैं जो फरिश्ते रात को रहे परवरदिगार के पास जाते हैं परवरदिगार मोमिन बंदों के अहवाल उनसे दरियाफ्त करता है हालांकि वो अपने बंदों के अहवाल से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है

जो बंदा पांच फर्श नमाजों को हर समझते हुए इन किसी भी एक नमाज को जाय नहीं करता ऐसे नमाजी से अल्लाह ताला का वादा है कि इसे माफ कर दे जो बंदा पांच फर्श नमाजों को जानते बूझते छोड़ता है अल्लाह ताला का ऐसे बेनमाजी से कोई वादा नहीं है कि इसे जन्नत में दाखिल मोह मौ बहनों नमाज की अहमियत से नमाज की फजीलत से किसी भी फिर वालों को कोई इख्तिलाफ है ही नहीं नमाज ऐसी खूबसूरत इबादत है मेरी बहनों जिससे आज हम बहुत ज़्यादा गफलत कर रहे हैं क्यों मेरी बहनों हमें घरेलू काम काज बहुत ज़्यादा होते हैं पकाना बच्चों को देखना मेहमान नवाजी करना ये सारे कामों में अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वह हमारी नमाज है हमारे घर में मेहमान आ गए और हम मेज़बानी में मसरूफ़ हो गए हमारी मेज़बानी में कोई फ़र्क आ ही नहीं सकता सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी नमाज को हो रहा है हम ज्यादा से ज्यादा डिग्री हासिल करना चाहते हैं कॉलेज आने में जाने में एग्जाम देने में लिखने में अगर किसी चीज को नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाज है हम खेलकूद में हिस्सा लेना चाहते हैं हमारे हारने जीतने में कोई नुकसान आ ही नहीं सकता कोई फर्क आ ही नहीं सकता सबसे ज्यादा नुकसान हमारी नमाज को हो रहा है सबसे ज्यादा हम फंक्शन अटेंड करते हैं ये फंक्शन आने में जाने में तैयार होने में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ को हो रहा है तो वो हमारी नमाज है हम अच्छे कुक बन सके मेरी बहनों नमाज नहीं हम ग्रेजुएट बन सके नमाजी नहीं हम फैशन डिजाइनर बन सके नमाज नहीं हम एक अच्छे मेज़बान बन सके नमाजी नहीं बहनों नमाज ऐसी खूबसूरत इबादत है जिसको तो आज हमने मामली समझ लिया है अगर हम सही बुखारी और मुस्लिम खोल कर पढ़े तो उसके अंदर एक हैरत अंगेज़ बाग को बांधा गया अगर आप वो बाप को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसा कैसा बाप को बांधा गया है वो बाप का नाम है वो चैप्टर का नाम है सलातुलौफ़ यानि खौफ की हालत में हो तो आप नमाज कैसे पढ़े मोहज बहनों सलात खौफ में तो माफ़ हो जानी चाहिए लेकिन मेरी बहनों ये एक ऐसी अजीम सुन्नत है एक असीम ऐसा फ़र्ज है जो हमको खौफ की हालत में भी ममास माफ़ नहीं है तरीक़ा बताया जा रहा है मेरी बहनों गौर करिए लेकिन मामा माफ़ नहीं है अगर नमाज का हो गया है और खौफ मैदान जंग में हो रहा है और वो शख्स सफर की हालत में है तो चार रकात वाली नमाज को खसर करेगा जब वो चार रकात वाली नमाज को खसर करेगा तो इमाम दो रकात की नमाज को इस तरह पढ़ाएगा आधा लश्कर एक रकात पढ़ेगा और एक मैदान जंग में जाकर पढ़ेगा और आधा लश्कर इमाम के पीछे दूसरी रकात पढ़ेगा और छूटी हुई रकात को मैदान जंग में जाकर अदा करेगा अगर खौफ हज़र की हालत में हो अगर खौफ मुखीमी हालत में हो तो चार रकात वाली नमाज को चार पढ़ा जाएगा। चार की इमाम नियत करेगा आधा चौथी और छुट्टी हुई, हुई पहली और दूसरी रकात मैदान जंग में जाकर पढ़ेगा अंदाजा लगाइए मेरी बहनों अंदाजा लगाइए मैदान जंग में अपने जहाँ से बढ़कर क्या चीज अजीज हो सकती है ऐसी हालत में भी नमाज माफ नहीं है नमाज हमें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है नमाज ऐसी खूबसूरत इबादत है मेरी बहनों जिसका अल्लाह सुबहान तला ने हमको हुक्म दिया है और नमाज की अहमियत व फजीरत के पेश नज़र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम वाले को ही हुक्म दिया है अबू दाऊद हदीस नमज चार एक चाता चार एक पाँच नबी इशा फरमाते हैं मुरु औद सौलातीम अब नाउ सब इस नीना

तो इन्हें नमाज पढ़ने की ताकीद करना चाहिए नमाज पढ़ने की तालीम देकर दस साल तक इन्हें नमाज पढ़ने का आदि बनाना चाहिए अगर फिर भी वो नमाज के लिए राजी नहीं होते हैं तो इन्हें मार लगाई जा सकती है दस साल की उम्र का हिस्सा चूंकि बुलत के करीब का होता है तो रासौसम इशात दे रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग बिस्तर पर सुलाया जाए बहु बहनों जरा हम अपना अपना जायजा लेकर देखें क्या हम अपने बच्चों को नमाज न पढ़ने के सिलसिले में मार लगा रही है मेहमानों के सामने शरारत कर दी माल लगा दी अपने कपड़े खराब कर दिए मान लगा दी स्कूल ट्यूशन नहीं जाने की जिद करते हैं मान लगा दी मेरी बहनों अल्लाह के दीन के मामले में मार लगाना जरूरी है अल्लाह रहम करे ऐसे वाल पर जो घर में कोड़ा लगा कर रखे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मार पड़ेगी बच्चों के दिल में डर बिठाने के लिए नमाज का आधी बनाने के लिए इन्हें मार खिलाने की उनको डर बिठाना चाहिए आज बच्चे डर से पढ़ेंगे कल अल्लाह तला उनको इखलास की तोफीक़ देगा सात साल से कम उम्र वाले बच्चों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए प्राइम एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि सात साल की उम्र में आपकी मेहनत शुरू हो जानी चाहिए आज बच्चे स्कूल ट्यूशन नहीं जाते हैं तो हमको टेंशन होती है फिक्र होती है क्या बच्चे नमाज छोड़ रहे हैं तो क्या हमको ऐसी टेंशन ऐसी फिक्र होती है मेरी बहनों जरा हम सबको अपना अपना जायजा लेना है मोजस माँ बहनों नमाज बहुत बड़ी इबादत है शरीयत में नमाज को छोड़कर कर कोई ऐसी इबादत नहीं जिसके अंदर जिसम भी दिल भी आजा भी सब के सब अल्लाह ताला की याद में लगे हुए हो आप जरा गौर कीजिए आप रोज़ा रख रहे हैं रोजे की हालत में आप बात तो कर सकते हैं रोजे की हालत में आप चल तो सकते हैं रोजे की हालत में आप सो तो सकते हैं रोजे की हालत में आप टेक तो लगा सकते हैं लेकिन नमाज ऐसी खूबसूरत इबादत है जिसमें खाना भी मना पीना भी मना सोना भी मना जागना भी मना टेक लगाना ही मना बहनों नमाज ऐसी इबादत है सर से लेकर पाँव तक जिसम से लेकर दिल दिल तक दिल से दिमाग तक से दिमाग सारे सारे के सारे अल्लाह ताला की याद में लगे हुए हैं इसलिए अल्लाह सुबहान तला ने नमाज का नाम सलाह रखा है इसलिए कि ये नमाज शुरू से लेकर आखिर तक दुआ है दुआ है गौर करिए मेरी बहनों अल्लाह ताला ने नमाज का नाम क्या रखा है सलाह सलाह के लोग भी माने होते दुआ इसलिए कि नमाज तकबीर से लेकर तस्लीम तक दुआ ही दुआ है हम नमाज शुरू करते हैं गौर करिए मेरी बहनों दुआ कैसे करते हैं रकात बांधते हैं अल्लाहु अकबर कह कर जब रकात बांधते हैं तो क्या दुआ करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा से पहले क्या दुआ हमको सिखाई अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बात बैनल मशरिकी वल मगरिबी Khataya, khataya, <t> मेरे लेकर आखिर तक दुआ ही दुआ है हम रुकू में जाते हैं दुआ करते हैं रुकू से उठते हैं दुआ करते हैं सस्ता देख लीजिए दुआ है अतिया देख लीजिए दुआ है दूर दे पाक देख लीजिए दुआ, दुआ है मासुरा देख लीजिए दुआ है सलाम फिरने के बाद अस्कार पढ़ते हैं गोया मेरी बहनों नमाज शुरू से लेकर आखिर तक दुआ ही दुआ है अल्लाह ताला ने इसलिए नमाज का नाम सला रखा है अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो उसके अंदर अल्लाह सुबह तत सौ से ज्यादा मुकाम पर लफ नमाज इस्तेमाल कर रहे हैं और अस्सी से ज्यादा मुकाम पर अल्लाह सुबह तमाज़ क़ायम करने का हुक्म हमको अलग अलग अंदाज में दे रहे हैं

नमाजों को कायम करते रहते हैं मुआजसमों और बहनों अल्लाह सुबह खास तो हम खीन को नमाज का हुक्म दे रहे हैं सुर अहज़ आयत नंबर तैंतीस अल्लाह तशात फरमाते हैं अकीम न सलात व आती न जक़ात व व रसूल नमाज क़ायम करो जक़ात अदा करो अल्लाह उसके रसूल की दाद करो नमाज़ पढ़ने वाले खुतिन को अल्लाह सुबह तला जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं सूर्य रात सूर्य नंबर तेरह आयत नंबर बाईस त चौबीस والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار समझदार अहल इल्म खवातीन अपने रब की रजामंदी के लिए सब्र करती है नमाजों को कायम करते रहती है जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उसको मार दिया है उसमें से छुप कर अल्लाह ने खर्च करते रहती है यही वो खुतिन हैं जहां वो हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नतों में जाएंगे उनके साथ उनके शोहर जाएंगे उनके साथ उनकी औलाद जाएंगे उनके साथ उनके रिश्तेदार जाएंगे उनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से सलाम करते रहेंगे कहेंगे तुम पर सलामती हो तुम पर सलामती हो क्या ही अच्छा बदला है नमाज पढ़ने वालों का इस हमेशा की जन्नत आखिरत का सूर्य बकरा सूर्य नंबर दो आयत नंबर पैंतालीस में अल्लाह तला इशात फरमाते हैं अल्लाह तशा कर नमाज के जरिए से अल्लाह चाहो ये काम मुश्किल है मगर अल्लाह से डरने वालों पर नहीं मजीद की अदायगी का हुक्म आपन मजीद की इनायतों में देख सकती है नमाज की अहमियत पर बहुत सारी हदीसें भी आई है अगर हम बुखारी पढ़ेंगे बुखारी के अंदर हदीस नम पाँच दो आठ हजरत अबू हुर से रिवायत है नबी करीमल फरमाया ए सहाबा कराम मुझे ये बताओ अगर तुम्हारे घर में से किसी एक एक घर पर एक नहर हो और वो उस नहर से पाँच मतबा गसल करता हो तो क्या ऐसे शख्स के जिसम पर मैल कुचैल बाकी रह जाएगी साहबा कराम ने अर्ज किया नहीं रसोलम ऐसे शख्स के जिसम पर मैल कुचैल बाकी रह सकता नबी सब ने फरमाया पांच नमाजों की मिसाल इसी तरह है जब बंदा पांच नमाजें पढ़ लेता है तो अल्लाह सुबह उसके नाम आमा से सारे गुनाह को मिटा देते हैं सही मुस्लिम हदीस नमक दो तीन तीन हजरत है नबी करीम ने शाह फरमाया पांच नमाजें उन गुनाहों को मिटा देती है जो एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान हुए हैं इसी तरह एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक के सारे गुनाहों को मिटा देता है बस शर्त है कि गुनाहों का इत्तेकाब ना किया गया हो हजरत इब्ने मसूद रजातनहु से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऐसा अमल बता दीजिए अगर मैं करूं तो अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताइए अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल महबूब है नबी वसम ने फरमाया वक्त पर नमाज़ पढ़ना साहिल ने दूसरी मरतबा पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है नबी सब ने फरमाया वक्त पर नमाज़ पढ़ना साहिल ने तीसरी मरतबा पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना मुआजस्म और बहनों अबू दाऊत की हदीस है अबू दाऊत हदीस नमर तीन नौ तीन नबी सल्हलम ने फरमाया जब्राई स्ल्लाम मेरे पास आए और ख़ाना काबा के पास मुझे फजर की नमाज़ पढ़ाई मुझे जहर की नमाज़ पढ़ाई मुझे असर की नमाज़ पढ़ाई मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाई मुझे ईशान की नमाज़ पढ़ाई

तुम इसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखे हो मस्ंद अहमद की हदीस है हदीस नंबर कहते हैं एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला के मौसम में एक बाघ को तशरीफ लेकर गए और एक दरख्त की टहनी को हिलाया तो सारे पत्ते गिरने लगे नबी सब ने फरमाया अबू जर क्या तुम देख रहे हो सरमा के मौसम में दर के टहनी को हल्का सा हिलाने से दर के सारे पत्ते गिर रहे हैं तो अबू जर ने कहा हाँ नबी सब देख रहा हूँ तो नबी वसल्लम ने फरमाया यही मिसाल है जब मुसलमान बंदा नमाज अदा करता है नमाज के लिए खड़ा होता है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए तो ऐसे नमाज से गुना इसी तरह जड़ जाते हैं जिस तरह पच्छड़ के मौसम में दर से पते गिरते हैं माओ मौ और बहनों पुराने मजिद में अल्लाह सुबह तारी जिंदगी के मकसद को बयान करते हुए फरमायाद आयत नम छप्पन वमा जिन्ना वल इंसा इल्ला हमने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे मोज़ बहनों अगर इंसान रब तला के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना उसकी हर चीज इबादत बन जाती है मगर इबादत की खास खास शक्लें बताई गई है जैसे नमाज रोज़ा जक़ात हज ये सारे इबादतों में सबसे अफजल तरीन अमल नमाज है मुज्जस मां मौ और बहनों ज़िंदगी का मकसद ख़ालिस अल्लाह ताला की इबादत करना है जहाँ जहाँ कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत बताई गई ही वहीं उसके साथ साथ उसके छोड़ने के भी नुकसान बता दिए गए मुजस माँ मौ बहनों और तो और दुनिया और आखिरत में ऐसे बेनमाजी औरत की कामयाबी मुमकिन ही नहीं इस सिलसिले में हम खवतिन बड़ी गफलत करती है मुजस माँ मौ बहनों खुत घरेलू काम में मेहमान नवाजी में बच्चों में शोहर में ससुराल में इस कदर मसरूफ़ हो जाती है शॉपिंग में दावतों में आने में जाने में खुद को इस कदर मसरूफ़ रखती है कि इन्हें नमाज या नमाज के अवात का इल नहीं होता अगर होता भी है तो काम की थकावट की वजह से या फिर साफ़ सुथरी ना होने की वजह से नमाज से गफलत कर रही है हालांकि अल्लाह सुबह तला अल्ला हमारी ज़िंदगी के मकसद को बयान करते हुए फरमाया वमा खलातुल्जन्ना लिया इंसा हमने इंसानों को जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे जिंदगी का मकसद खालिश अल्लाह ताला की इबादत करना है मगर खुवा इस बात को भुला दिए और अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी को जरूरी और अहम समझ कर रब की नाफरमानी करती है एक औरत अपनी पूरी जिंदगी यही सोच और फिक्र में गुजार देती है किस तरह मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए यही सोच में यही फिक्र में अपनी जिंदगी को तमाम कर देती है

नमाज मोमिन की पहचान है नमाज नबी ससम की आँखों की ठंडक है नमाज मोमिन की मिराज है नमाज अजाब जहनुम को दूर करती है नमाज खबर के अजाब को दूर करती है नमाज बंद मोमिन को बुराइयों से निकाल कर नेकियों के रगबा दिलाती है और तो और नमाज पढ़ने वाले सक्सेसफुल लोग हैं

नहीं पूछा जाएगा कि हमारी क्वालिफिकेशन कितनी हाईएस्ट थी हम खवातीन से ये सवाल नहीं किया जाएगा कि हमारे सोशल स्टेटस कैसे थे अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कयामत का सबसे पहला सवाल ये होगा इन्ना अववला मा يحاسب الناس يوم القيامه من अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों के आमाल में से अल्लाह सुभान सबसे पहले नमाज ही का हिसाब लेंगे बहन नबी सल्लाम के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे आपके खत में मुबारा परवरम आ जाता आपके पैर सूच जाते थे आपकी प्यारी बीवी हजरत आयशा ने कहा अः अल्लाह के हबीब आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं अल्लाह तला ने तो आपके अगले और पिछले सारे गुना माफ़ कर दिए हा मकफूर है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐशा ऐ ऐशा ऐसा मत कहो ऐ ऐशा ऐसा मत कहो अफला अकुन शुकुरा अल्लाह सुभान तआला ने मुझे बेशुमार नेमतें दी है क्या मैं अल्लाह तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं मुअज्ज़ज़ मोह बहनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँच फर्ज नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद नमाज इशरा नमाज चाश्त तहियतुलवू तहियतु मस्जिद का अहमाम करते थे और ख़ास ख़ास मौक़ों पर भी अपने रब के हुजूर तौहबा इस्तेफार के जरिए से नमाज को ही जरिया बनाते थे यानि सलादुल तौबा हजूफ़ हो या गुसूफ़ यानि सूरज किरण हो या चाँद गिरन आम मस्जिद तशरीफ ले जाते थे जलजला या आंधी आती मस्जिद तशरीफ ले जाते थे तूफान या बारिश होती मस्जिद तशरीफ ले जाते थे सफर से सी होती मस्जिद तशरीफ ले जाते थे फाखे की नौबत आती मस्जिद तशरीफ ले जाते थे कोई परेशानी तकलीफ दुख होता मस्जिद तशरीफ ले जाते प्यारे नबीम की जिंदगी और नबोत का अक्सर हिस्सा नमाज में गुजरा है नबी सल्ला को आखिरी हैदीबा के दिनों में जिस चीज़ की सबसे ज्यादा फिक्र थी वो सिर्फ और सिर्फ नमाज थी प्यारे नबी सी के आखिरी चार दिन तक वफाते मुबारक से चार दिन खबर तक आपने फजर की नमाज पढ़ाई जोहर की नमाज पढ़ाई असर की नमाज पढ़ाई मगरिब की नमाज पढ़ाई ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए उठे घसीदारी हो गई आप गिर गए आप गल करके दोबारा उठना चाहा आप पर गदारी हो गई फिर गिर गए तीसरी बार उठना चाहा

आप सर पर पट्टी कस के बांध कर दो सहा के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद नबवी को इस कैफियत में तरह ले जा रहे थे की आपके खत में मुबारक के निशान जमीन पर गहरे गहरे पड़ते चले जा रहे थे अंदाजा लगाइए मेरी बहनों अंदाजा लगाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के हयात तैयबा के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र थी वो सिर्फ और सिर्फ नमाज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी फजर की अजाब सुनाई गई बिलाल रज्जातल्लाहु ने अजा दे दी अबू बकर ने इमामत के लिए अल्लाह अकबर कह कर जबरकात बांध दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु का दिल चाह मेरे सहाबा کرامताओं को नमाज की हालत में एक मंतव्य जी बद देख आपने हजरत आयशा के हजरे का पर्दा उठाया जब साहबा का मतों को नमाज की हालत में देखा तो नबी नबीम को बहुत ज़्यादा ख़ुशी महसूस हो रही थी साथ जो साथ वो आपको साथ यादा गया। ने समझा नबी इमामत के लिए आगे बढ़ रहे हैं एडी के बल पीछे हटने लगे नबी सब ने हाथ के इशारे से फरमाया बकर नमाज को कायम करो बकर नमाज को कायम करो

हाँ फरमाया ए मेरी प्यारी बेटी मुझे तो ऐसा लगता है मैं इसी मर्स में वफात पा जाऊंगा आपकी बेटी रोने लग गई कहने लगी है अब जान की है अब जान जान की की तकलीफ तकलीफ है नबी ने फरमाया ए मेरी प्यारी बेटी ऐसा मत कहो आज के बाद आपके अबू को बेहतर कभी तकलीफ़ नहीं होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ती चली गई नबी ससम की जिंदगी का आखिरी लम्हा खरीब आता चला गया आपने हजरत के सीने को टेक लगा लिया आपने फरमायायशा जब यह खैबर में जो जहर मुझे दिया गया था वो जहर का असर आज मेरे जान के रगों को काट रहा है अयशा मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपने इस तकलीफ में फरमा रहे थे फातिमा दहा रोने लग गई उम्मे सलमा रोने लग गई हद आयशा रोने लग गई ये प्यारे शौहर को क्या हो रहा है ऐसे नाजुक मरले में आप अपनी उम्मत को सिर्फ एक ही नसीहत कर रहे हैं वो नसीहत आज याद कर लेके जाइए मेरी बहनों नबी फरमा रहे हैं अस्सला अस्सला मा मलक मलकत लोगों नमाज 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 का ख्याल रखना लोगों नमाज 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 का ख्याल रखना तुम्हारे लोनियों के तुम्हारे गुलामों का ख्याल रखना हद उम्मे सलमा तना कहती है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत को कान लगा कर का सुन रही थी आपकी आवाज़ आपके जुबान से नहीं निकल रही थी आपका सीना धड़क धड़क रहा था लेकिन मैं प्यार नबी की आखिरी वसीयत को का लगा कर सुनी अल्लाह के हबीब फरमा रहे थे व लोगो नमाज 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 का ख्याल रखना तुम्हारे अंडर में जितने काम करने वाले हैं उनका ख्याल रखना मजसम मौ बनों इस्लाम में नमाज को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है तोहेद बारी ताल और शहादत के बाद नमाज सबसे बड़ी इबादत है नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म सिर्फ़ उम्म मोहम्मदिया पर नहीं हुआ बल्कि अल्लाह जबान तआला ने इसका हुक्म हर नबी पर हर नबी की उम्मत पर किया है हमने कई बार सुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी हजरा इस्लाम को मक्का की वादी में वीराने में छोड़ आए जहाँ ना दरख्त है पत्ते नहीं कुछ भी नहीं ऐसे वीराने में छोड़ दिया बीवी को भी छोड़ दिया बच्चे को भी छोड़ दिया जाने लगे बीवी पीछे पीछे चलने लगी कहने लगी, ए मेरे सरताज आप हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो इब्राहिम ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ बीवी फिर पीछे पीछे आने लगी कहने लगी या अल्लाह जुबान तला ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि मक्के के वीराने में अकेले बच्चे और बीवी को छोड़कर चले जाए इब्राहिम साहब ने कहा हाँ मेरी प्यारी बीवी मुझे अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को विदा ने में छोड़कर जाऊं जाने लगे हाथ उठाकर दुआ करने लगे मेरी बहनों अंदाजा लगा ये नमाज क्या इबादत है ऐसे नाजुक मरहले में तसल्ली के बजाय आप दुआ कर रहे हैं सूरह इब्राहिम आयत 37 हाथ उठाकर इब्राहिम इल्सालाम दुआ करने लगे रब्बना रब्बना इन्नी अस्का तुम योर ज़ुर्रियति बिवादिय लियोला रब्बना, 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 ए मेरे पर मैंने अपनी जुरीत को अपनी बीवी को अपने बच्चे को इस मक्का की बेखती वादी में तेरे हरमत वाले घर के पास बसाई, ये इसलिए कि नमाज खायम करे दुआ करने लगे रब्बी चलनी मुहिमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती फरवादिकार मुझे नमाज का पाबंद बना मेरे घर वालों को नमाज का पाबंद बना हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 30 और 31 इस्माइल हजरत ईसा अलैहि सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में बनी इसराइल से बात कर रहे हैं काल इन्नी अब्दुल्ला आतानी किताब व जालनी नबिया व जालनी मुबारकन आइना मा कुंत व औसानी बिल सलाति व ज़कात मा कहने लगे मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ उसने मुझे किताब अता फरमाई मुझे पैगंबरों में से बनाया है मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ

ए प्यार नबी सल्हलम इस किताब में इस्माईल सलाम का भी तस्करा कर लो वो तो वादे का बड़ा ही सच्चा था अपने घर वालों को बराबर नमाज़ का ज़क़ात का हुक्म देता था और था रसूल और नबी हज़रत लुकमान सलाम अपने बच्चे को वसीयत फरमाई सुर लुकमान सुरय नंबर इकतीस या बुनैया या, या बुनैया या या, में सलाम ए मेरे प्यारे बेटे दो नमाज को क़ायम कर प्यारे नबी ससम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं सुर सुरे, सुरे नंबर बीस आयत नंबर एक सौ बत्तीस मुरा यार नबी सल्हलम आप खुद भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए हज़रत इब्राहिम हज़रतन आलामाम हज़रतम का तस्करा करने के बाद अल्लाह तरमाया सूर् मरियम सूर्य नम्बर 19 आयत नंबर उनसाठ फ

मेरी बहनों ये फंक्शंस में जाने से क्या होता है मेरी बहनों नमाज जैसी अहम इबादत से हम गफलत करते हैं जोहर से ही तैयारी होनी शुरू हो जाती है असर से कपड़े पहन लिए जाते हैं माह हेर हमारे पास आ जाती है चार घंटे पहले बैठ कर तीन घंटे पहले बैठ कर हम मेकअप करती है वजू करके मेकअप को हम ख़राब नहीं कर सकते नमाज को पढ़ कर हम अपने आयरन को ख़राब नहीं कर सकते मज़स माँ बहनों मगरिब से ही हमारी तैयारी शुरू हो जाती है रात लेट आने की वजह से हमारी ईशा गायब हो जाती है रात लेट सोने की वजह से हमारी फजर सायब हो जाती है मेरी बहनों हमारे इस की सजा को अल्लाह तला बता रहे हैं फसो फ़ैल ख़ो न गैैया ऐसे नालयों को तो गई में डाल दिया जाएगा हज़रत इबन अब्बास फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गई की तफ़िर इस तरह बयान फरमाई है ये छोड़ पकड़ नमाज़ करने वालों के लिए गई को बना दिया गया है जो जहनम की सबसे ख़तरनाक वादी है मुआजस् बैन को बाकी सारी इबादतों में एक खास मुकाम और मरतबा हासिल है ये एक ऐसा फरीजा है जिसे कोई फरिश्ता लेकर जमीन पर नाजिल नहीं हुआ अल्लाह ताला ने चाहा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की नमस् नवाजे रोज़ा भी जमीन पर फ़र्ज हुआ जक़ात भी ज़मीन पर फ़र्ज हुआ हज भी ज़मीन पर फ़र्ज हुआ लेकिन नमाज एक ऐसी इकलौती इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह सुबह तला ने मेराज के मौके पर दिया मजुस्मा मौ और बहनों बुखारी शरीफ के अल्फाज है प्यार अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबह तला मेराज के मौके पर पचास वक्तों की नमाज की अदायगी का हुक्म दिया जब आप वापस होने लगे हजरत मूसा सलाम ने कहा आपके रब ने आपको किन किन बातों का तोहफा दिया है रसूल तो साहब फरमाने लगे पचास वक्तों की नमाजों का अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों पचास वक्तों की नमाज का मूसा इस्लाम कहने लगे नहीं नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत पढ़ ही नहीं सकती जाइए जाइए तख्फीफ कराइए डिस्काउंट कराइए आपकी उम्मत पढ़ ही नहीं सकती मूसा अलैहि सलाम बड़े जानकार थे एक्सपीरियंस वाले थे समझ गए ये नालायक लोग हैं ये बहुत गाफिल लोग हैं नमाज नहीं पढ़ सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के पाजाने लगे पचास से चालीसवीं चालीस से तीसवीं तीस से बीसवीं बीस से दसवीं दस से पाँचवीं

मुजस माँ और बहनों इस्लाम के दिगर इबादतों के मुकाबले में कुरान करीम का नमाज का दर्जा यह है इस्लाम के दिगर इबादतों के, के मुकाबले में नमाज का मरतबा ये है मेरी बहनों इसका हिसाब सूरज से होता है इस्लाम के दिगर इबादतों का हिसाब देख लीजिए उसका हिसाब चांद से होता है रोज़े चांद देख कर रखना है जकवात भी चाँद के हिसाब से एक साल होने पर फ़र्ज होता है और हज भी चाँद देख कर महना शुरू होता है सुलहजा का लेकिन नमाज ऐसी खूबसूरत इबादत है जिसका हिसाब सूरज से होता है अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों नमाज फ़ज्र नमाज जहर नमाज असर मगरिब ईशान का वक्त कैसे होता है सूरज को देख कर होता है नमाज हम फज्र पढ़ रहे हैं, हैं तो सूरज तुल्लु होने से पहले से लेकर सूरज तुलू होने तक इसका वक्त है सूरज तुल्लु होने से पहले से लेकर सूरज तुलु होने तक जहर का वक्त आप देख लीजिए सूरज ढल जाने से लेकर उस वक्त तक जब हर चीज़ का साया उसके मसल हो जाए असर का वक़्त जब हर चीज़ का साया उसके मसल होने से लेकर उस वक्त तक जब हर चीज़ का साया उसके मसल से आगे बढ़ जाए मगरिब का वक़्त सूरज गुरुब होने से लेकर उस वक्त तक जब सूरज की सुर्खी गायब हो जाए ईशा का वक्त सूरज की सुर्खी गायब होने से लेकर आधी रात तक मेरी बहनों पांच नमाजों का जिक्र कुरान मजीद की सूर्य इसरा सूर्य नंबर आयत नंबर अठहत्तर में इस तरह आया है नुरा ला का नशहूदा ए प्यार नबी सल्हसम आप सूरज तालुभ होने से लेकर सूरज रूब होने तक नमाज़ क़ायम कीजिए और नमाज फ़ज्र भी नमाज फ़ज्र के वक्त कुरान मजीद की तिलावत कीजिए यकीनन ये वक्त फ़रिश्तों की हजरी का होता है मुफसर कराम बताते हैं कि इन आयतों में लिदुलू की शमसी से मुराद जहर और असर की नमाज है ग़सख़ी लैली से मुराद मग़रिब और ईशा की नमाज है कुरान्फ्र से मुराद फ़ज़र की नमाज है मुआजस माँ और बहनों तोहद के बाद सबसे पहला जो फरीजा हम खातन पर आयद किया गया वो नमाज है नमाज एक ऐसी इबादत है जो जवानों पर भी बूढ़ों पर भी गरीबों पर भी अमीरों पर भी मालदारों पर भी मुसाफिरों पर भी सिहतमंदों पर सब पर फ़र्ज है गोया नमाज मुसलमानों की पहचान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र का इतकब किया गोया उसने काफिरों ने सामाल कर लिया मुआजस माँ बहनों आज नब्बे फ़ीसद से ज्यादा खवातीन इस अजीम अमल से लापरवाही बरत रही है क्यों मेरी बहनों हमें घरेलू काम काज बहुत ज़्यादा होते हैं और हम नमाज़ कब पढ़ते हैं वक्त को टाल टाल कर टाल टाल कर टाल टाल कर, कर पढ़ते हैं मेरी बहनों इंडिया में जहर की अजान होती है एक सवा एक बजे घर में नमाज़ पढ़ने वाली खवातीन के लिए अजान सुनकर नमाज़ शुरू करना ज़रूरी नहीं आपका अव्वल वक्त साढ़े बारह को ही शुरू हो जाता है अगर हम सऊदी अरब जाएँ तो वहाँ देखें कि जहर का वक्त अव्वल वक्त में ही शुरू हो जाता है हर नमाज की अजान अव्वल वक्त में ही हो जाती है तो जब घर में खवातीन नमाज पढ़ रही है तो उनके लिए सुन सुनकर नमाज़ शुरू करना ज़रूरी नहीं अजान किन के लिए है जमात वालों के लिए है जो जमात से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अजान है मेरी बहनों और तो और नमाज को हम टालते रहते हैं जोहर की अजान होती है एक सवा एक बजे हम वक्त को टालते रहते हैं कोई पढ़ते हैं दो बजे कोई ढाई बजे कोई तीन बजे कोई पौने चार बजे मेरी बहनों माफ़ कीजिए कुरान मजीद के सख्त अल्फाजें ये वक्त को टाल टाल कर पढ़ना टाल टाल के पढ़ना कुरान मस्जिद में बताया गया है कि ये तो मुनाफिन की पहचान है सूर निसा साह नंबर नम्बर चार आयत नंबर एक सौ बयानवे में अल्लाह ताली इशात फरमाते हैं ये वक्त को टाल टाल कर पढ़ना ये तो मुनाफि की पहचान है अल्लाह ताला तशात फरमाता है व कुसाला यज़कुरून अल्लाह अल्लाह इल्ला खलीला ताला तशात फरमाता है जब लोग नमाज के लिए उठते हैं तो बड़ी सुस्ती और बड़ी काहली के साथ खड़े होते हैं खौम गसाला बड़ी सुस्ती के साथ बड़ी काहली के साथ वक्त को टाल टाल कर पढ़ते हैं युरास और नमाज से अल्लाह को खुश करना नहीं होता बल्कि लोगों को दिखाना होता है वलायज़ गुरून अल्लाह अल्ला खलीला और इस दिखावे की नमाज़ में वो तो अल्लाह ताल को बहुत कम याद करते हैं हजर श्दात बिन औसत ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया मोजस माँ मौ और बहनों आज हम नमाज की हिफाजत क्यों नहीं कर रही है मेरी बहनों क्यों नहीं कर रही है ज़्यादा से घरेलू काम काज की वजह से पकाने की वजह से बच्चों की वजह से शोहर की वजह से सास ससुर की वजह से ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की वजह से मेरी बहनों हमसे नमाजें छूट रही है हमें कोई अफसोस नहीं कोई दुख नहीं कोई मलाल नहीं मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन मेरा पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका मर्दों के मुकाबले में औरतें नवे फीसद नमाज में सुस्ती और कहली करती है नमाजें हमसे छूट रही है हमें कोई अफसोस नहीं कोई दुख नहीं कोई मलाल नहीं आखिर वजह क्या है मेरी बहनों नमाज की अहमियत नमाज की फजलत अब तक हमारे जहनों में नहीं बैठी आखिर वजह क्या है मेरे हिसाब से अंदाज़ा तो ऐसा लगता है आज हवाती नमाज से गफलत इसलिए कर रही है बचपन से वालिदैन ने तवज्जो नहीं दिलाया बचपन में वाल तो नमाज की तोज्जो नमाज के लिए सिर्फ हुक्म देते हैं लेकिन उसकी अहमियत उसकी फजलत नमाज न पढ़ने के नुकसान अब तक हमको नहीं समझाए हज़रत सलाम की नसीहत अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा पसंद आई इसे कुरान मजिद का हिस्सा बना दिया सुर लखमान सुरय नम्बर इकतीस नंबर सत्रह या बुनाइया मेरे प्यारे बेटे नमाज को ख़यम करना मुआज़ज़ मोर मौ बहनों नमाज से सुस्ती करना नमाज से गफलत पढ़ना, नमाज को टाल टाल कर पढ़ना लोगों को दिखाने के लिए पढ़ना ऐसे मुसलियों के लिए तो में फ़ैल होगी माउन में लता तशा फरमाते हैं फ़ाइलमसलिनत हम साउन उन नमाजों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं नमाजियों का ये हाल हो रहा है मेरी बहनों

मोजस माँ बहनों आज ये नमाज का हाल हमारा है जरा हम अपना अपना जायजा लेकर देखें जहाँ जहाँ नमाज का तस्करा किया गया वहाँ अल्लाह सुबह बयान करते हैं ये तो मोमिन की पहचान है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो बड़े खुशो खुशू के साथ अदा करते हैं सुर मोमिन सुर नम तयीस आयत्मा एक मेंशात फरमाता है ख़ अफल ममिन यकीन कामयाब हो गए मोमिन मोमिनों की पहचान बता दीजिए अल्लाह पहचान बता रहा है अल्ला दीना अल्ला दीना हमफी सला तम खोशन वो जो वो अपने नमाजों में खुशू जू इख्तियार करते हैं जिसका दिल नमाज से लगा होता है अल्लाह ताला से नमाज में डरते हैं मज़स मो मौ बहनों ज़रा हम अपना अपना जायज़ा लेकर देखें आज हम नमाज़ पढ़ रहे हैं क्या हमारा दिल नमाज़ में लगा हुआ है खाने में पकाने में बच्चों में शोर में सास ससुर में दावतों में शॉपिंग में ख़रीदो फरोख्त में हमारा दिल लगा हुआ है एक वाक़ा सुनी हो मेरी बहनों कहाँ तक सही होगा मालूम नहीं एक मरतबा इमाम साहब ने जहर की चार रकात फर्ज में तीन रकात नमाज पढ़ाई जब नमाज मुकम्मल हो गई तो मुख्तियों ने कहा इमाम साहब आपने आ, चार के बजाय तीन रकात नमाज पढ़ाई है बाकी मुख्तियों से पूछा गया सब ने कहा हाँ हा, इमाम साहब आपने चार रकात की नमाज पढ़ाई है हजरत करने वाले मुख्तदी से पूछा गया तुम इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तीन रकात पढ़ाई जवाब देखिए मेरी बहनों जवाब देखिए मुख्तरी ने कहा इमाम साहब मेरे चार दुकाने हैं चार दुकानों के हिसाब चार रकात वाली नमाज में करता हूँ आज तो सिर्फ जहर की नमाज में तीन ही दुकानों का हिसाब हुआ है एक दुकान का हिसाब बाकी मतलब मेरी एक नमाज बाकी है मोजस माँ मौ बहनों जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे जहनों लोग जहनों में चले जाएंगे जन्नती बहनों को जहनों में हमारी कुछ बहनें नजर आएंगी जो हमारी क्लासमेट हुआ करती थी जो हमारे पड़ोसी हुआ करती थी जो हमारे साथ घंटों घंटों बात करती थी जो हमारे व्हाट्सएप में ऐड थी जो हमारे फेसबुक में ऐड थी जब जन्नती बहन में बहन को दूर से देखेगी तो रब जाएगी एकदम मचल जाएगी कहेंगी ए, मेरी प्यारी बहन ए मेरी प्यारी बहन मांकुम फी सखर तू जहनुम में कैसे चली गई माँ सलाकुम फी सखर मेरी प्यारी बहन तू जहनुम में कैसे चली गई क्या दे रहा था क्या गलती तुझसे हो गई जहनुम बहन नजर नीचे डाल कर कहेगी ए मेरी बहन लमन को मिसल मुसलिन नमाज़ नहीं पढ़ती थी जलसों में तो बहुत आया जाया करती थी एक तकरीर को भी छोड़ा नहीं करती थी आलिमों के बयानान मेरे मोबाइल में पढ़े पढ़े थे मुझे दीन की बातें सुनने में दीन की बातें सुनने में दीन की बातें बोलने में बड़ा मजा आता था मैं दीन का बड़ा जज्बा रखती थी जलसों में आया जाया करती थी एक मुझसे छूटती नहीं थी उल्मा कराम के बयानात मेरे मोबाइल में भरे पड़े थे मेरा यह था मैं एक अच्छी माँ थी मैं एक अच्छी बहन थी एक अच्छी बीवी थी सब कुछ थी ससुराल वालों में, में मेरा नाम था मेरा तो ये था लम लमनक मिनुस में नमाज नहीं पढ़ती थी